हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो है राजस्थान के इतिहास के विषय में जानकारी ले रहे थे और अब तक जो है हमने राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने राजस्थान के चार व्यक्तित्व पढ़े, जिसमें केसर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। अगला जो टॉपिक अपन ने शुरू किया है, जो पढ़ चुके हैं 1857 की क्रांति में कुछ फैक्ट्स की जानकारी जो है मैंने आपको पिछली कक्षा के दौरान दी थी। उस समय हमने क्रांति की भूमिका पढ़ी थी कि क्या उसके कारण रहे, कौन ब्रिटेन की महारानी थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन गवर्नर जनरल था, कौन राजस्थान का AGG था। ये सारी की सारी बातें जो है अपन पिछली कक्षा के दौरान कर चुके हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति जो हुई उसमें सैनिक वर्ग और जमींदार वर्ग दो असंतोष वर्ग थे। राजस्थान के अंदर दो वर्गों में असंतोष था, एक तो सैनिक वर्ग और दूसरा जो है जमींदार वर्ग। और इससे भी पहले अपन बात करें तो हमने बात की कि राजस्थान में जो है 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के दौरान, और भिन्न भिन्न रियासत में भिन्न भिन्न पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की गई थी, जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है 1857 की क्रांति। क्या चल रहा है जी? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में अपन कुछ बातें करते हैं और अन्य। अब 1857 की क्रांति की बात जब करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं। क्या आती है? कुछ महत्वपूर्ण तारीख तिथि आती हैं जिनको हमें याद रखना होता है 1857 की क्रांति के दौरान। तो आज कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हुए पहले मैं क्रांति की शुरुआत करूंगा कि आपको फैक्ट के रूप में ज़्यादा प्रेषित किया जाए, और फिर जो है हम क्रमवाइज प्रत्येक सैनिक छावनी में जो क्रांति हुई उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सी तिथियाँ जो हैं मुख्य रूप से याद रखनी है 1857 की क्रांति के दौरान। तो पहली जो तिथि है, नंबर एक, नसीराबाद में जी क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। नसीराबाद में क्रांति होती है राजस्थान में सबसे पहले, नसीराबाद सैनिक छावनी में, कब होती है? 28 मई 1857 को क्रांति होती है, और यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण तारीख आती है वो आती है भरतपुर। कहाँ क्रांति होती है जी? भरतपुर में, और यहाँ क्रांति 31 मई 1857 को होती है। कब होती है जी? 31 मई 1857 को। और अगली यहाँ पर जो भरतपुर के अंदर 31 मई 1857 की होती है और मॉरिशन के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण तारीख है उसकी बात करते हैं अपन, नीमच। कौन सा जी? नीमच। नीमच में क्रांति होती है जी 3 जून 1857 को। कब होती है जी? 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे जो है नीमच के अंदर क्रांति होती है। और अगली जो बात करते हैं तो देवली। कौन सी? देवली। देवली टोंक में पड़ता है और यहाँ पर जो क्रांति होती है वो होती है 5 जून 1857 को। कब होती है जी? 5 जून 1857 को देवली में क्रांति होती है। अगली जो बात करते हैं, टोंक में विद्रोह होता है नंबर 5 पर। टोंक में भी जो होती हैं वो जून 1857। वैसे जो है टोंक की ये छोटी सी घटना है, लेकिन देवली जो है ये भी टोंक के अंतर्गत ही आती हैं। तो टोंक वाली जून 1857 में सीधा आए, अगर देवली आए तो 5 जून 1857 अपने को जो है तारीख याद रखनी है। आगे की बात करते हैं जी, अजमेर। एक स्थान था अजमेर, तो अपन ने बात की टोंक की जून 1857 और देवली टोंक की 5 जून 1857। अजमेर में आपको लिखनी है 9 अगस्त
कितनी अगस्त, 9 अगस्त 1857 को एक छोटी सी घटना होती है, उसका जिक्र भी हम क्रांति के संदर्भ में बीच में करेंगे। इसके बाद जो क्रांति होती है नंबर 7 पर, एरिनपुरा में जी क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। कब होती है जी? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में क्रांति कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। इस एरिनपुरा की क्रांति की अगर अपन बात करते हैं तो एरिनपुरा की क्रांति के दौरान कुछ, एरिनपुरा के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण तारीख बता रहा हूँ कि कुछ युद्ध जो है कौशाल सिंह के द्वारा लड़े गए थे, उनमें मैं बात करता हूँ आपको। पहला जो युद्ध लड़ा गया था नंबर 1 एरिनपुरा में, 3 युद्धों की बात करते हैं जी एरिनपुरा में, कितने युद्ध? 3 युद्धों की। इन 3 युद्धों में हम पहले युद्ध की बात करेंगे नंबर 1, ये था जी बिथोड़ा युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था जी 8 सितंबर और 1857 को। तो एरिनपुरा की क्रांति 21 अगस्त 1857 को होती है, और एरिनपुरा में मैंने आपको बताया कि 3 युद्धों की तारीख हमें याद रखनी है। तो पहला याद रखना है बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है, और दूसरे की बात करते हैं अपन नंबर 2। दूसरा जो है चेलावास का युद्ध। ये जो युद्ध होता है जी 18 सितंबर, कब जी? 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है अपने को, गोरे व काले का युद्ध भी इसको कहा जाता है। अब तीसरे युद्ध की बात करते हैं जी, जहां पर कुशाल सिंह की पराजय हो जाती है, आउवा का युद्ध। यहां जो विद्रोह होता है, जो युद्ध होता है वो चलता है 20 जनवरी से 24 जनवरी। कितनी जनवरी जी? 20 से 24 जनवरी, और सन क्या था? 1858 था इस बार। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा, दूसरी तारीख चेलावास, 18 सितंबर 1857, तीसरी जो तारीख एरिनपुरा के दौरान हमें याद रखनी है, ये याद रखनी है 20 जनवरी और 1858। क्या याद रखना है? 20 जनवरी और 1858। इसके बाद एक क्रांति की अपन और बात करेंगे नंबर 8 पर, कोटा की तारीख याद रखनी है। कोटा में जो क्रांति होती है जी, ये होती है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857 को ये क्रांति होती है, और कोटा की क्रांति प्रारंभ होती है 15 अक्टूबर 1857 को, जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा यहाँ नेतृत्व किया जाता है। वैसे 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अपन ने 1857 की क्रांति के दौरान मैंने बात की कि आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद रखनी है। उन तिथियों में पहली मैंने आपको बताया कि सबसे पहले राजस्थान में जो तारीख महत्वपूर्ण रहती है क्रांति के संदर्भ में, तो वो ये रहती है कि नसीराबाद में क्रांति होती है। कब होती है जी? 28 मई और 1857 को। दूसरी जो महत्वपूर्ण तारीख, भरतपुर में 31 मई और 1857 को। तीसरी बात अपन ने की नीमच की 3 जून 1857, और इसके बाद देवली में 5 जून और 1857, और इसके देवली के अंतर्गत यानी देवली टोंक में ही पड़ता है, और टोंक का ही एक और हिस्सा है जो जिसमें अपन टोंक की जानकारी लेनी है, ये जून 1857। और अजमेर में 9 अगस्त 1857 को एक छोटी सी घटना होती है, 50 कैदियों को छुड़वाया जाता है, इसकी बात भी अपन करेंगे क्रांति के दौरान। और एरिनपुरा की जो क्रांति है 21 अगस्त और 1857 को होती है। कल पिछली कक्षा के दौरान अपन ने पढ़ा था कि यहाँ जो है सर्वाधिक संघर्ष हुआ था एरिनपुरा के अंदर, और सबसे भीषण की बात अपन ने की थी कि कोटा में सबसे भीषण क्रांति रही थी। तो एरिनपुरा के दौरान अपन को 3 युद्ध पढ़ने हैं। पहला बिथोड़ा का युद्ध, ये बिथोड़ा का जो युद्ध है 8 सितंबर 1857 को, चेलावास जिसे गोरे व काले का युद्ध भी कहा जाता है ये 18 सितंबर 1857 को, और आउवा का युद्ध 20 से 24 जनवरी और 1858 को। यहाँ पर जो है आउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह है अपने भाई पृथ्वी सिंह को नेतृत्व सौंप जाते हैं, और इस युद्ध में कुशाल सिंह की पराजय होती है।
और अंतिम जो तारीख महत्वपूर्ण बताई है मैंने कोटा की क्रांति की, कोटा की जो क्रांति होती है ये 15 अक्टूबर 1857 को होती है। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं क्रांति की। तो अब कुछ विधिवत रूप से अपन सैनिक छावनियों की क्रांतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिएगा जी आगे 1857 की क्रांति में हम विधिवत रूप से राजस्थान के संदर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहली क्रांति पढ़ने जा रहे हैं, नंबर एक नसीराबाद। कौन सी है जी? नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद जो सैनिक छावनी है कहाँ पड़ती थी? अजमेर में। कहाँ पड़ती है जी? अजमेर में। अजमेर में नसीराबाद में क्रांति होती है 28 मई और 1857 को। कब होती है जी? 28 मई 1857 को। इससे पहले जो अपन है बात कर चुके हैं कि क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्यों के दौरान मैंने आपको बताया था कि क्रांति होनी थी 31 मई को, लेकिन हो गई भारत के संदर्भ में 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। जबकि राजस्थान में प्रथम बार किस सैनिक छावनी से होती है? नसीराबाद से। कब होती है? 28 मई 1857 को। कारण क्या रहा? कारण यह रहता है नसीराबाद में क्या कारण रहा कि यहाँ जो है क्रांति हुई 28 मई को, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक सैनिक टुकड़ी थी जिसे अजमेर से हटा करके नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ये उसका मुख्य कारण रहा था। कारण में देखिएगा, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये जो सैनिक टुकड़ी थी इसको अजमेर से हटा दिया गया। कहाँ से हटाया गया? अजमेर से हटा दिया जी। तब अजमेर से हटाया तो भेजा कहाँ गया? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद। क्योंकि कारण क्या था? ये जो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री है कहते हैं कि मेरठ से ही आई थी राजस्थान में, और वहाँ जो है पहले ही विद्रोह हो चुका था। तो अंग्रेज अधिकारियों को ये डर था कि कहीं ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर यानी ब्यावर में, अजमेर में रबाड़ा में कहीं क्रांति नहीं कर दे, तो जो है अजमेर से हटा करके इन्हें कहाँ भेजा गया? नसीराबाद। तब जो है इन यहाँ के जो सैनिक थे उनमें क्रांति की भावना भर गई कि हम पर जो है अंग्रेजों ने विश्वास नहीं जताया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं जताया। इसलिए जो है 28 मई और 1857 को क्रांति प्रारंभ हो जाती है राजस्थान की। कहाँ पर? नसीराबाद में। यहाँ पर नसीराबाद की बात करते हैं अपन, नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति था वो था बख्तावर सिंह। कौन था जी? बख्तावर सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्तावर सिंह। और अंग्रेज अधिकारी की अगर अपन बात करते हैं, अंग्रेज अधिकारी जो था वो था प्रीचार्ड। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जी? हाँ, प्रीचार्ड था। लेकिन अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड था। अपन ने बात की नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति होती है। कहाँ पर? राजस्थान में। कब होती है? 28 मई 1857 को। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी नसीराबाद में कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसके द्वारा जो है क्रांति की जाती है। वैसे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ थी। और अजमेर से नसीराबाद से राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ होता है। नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति था वो था बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारी इस समय प्रीचार्ड था। यहाँ पर नसीराबाद में जब क्रांति हुई तो कुछ मुख्य मुख्य घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो यहां पर जो है एक व्यक्ति था मेजर स्पॉटिस वुड। मेजर स्पॉटिस वुड की
गोली मारकर, क्या कर दी जी? गोली मारकर हत्या कर दी। क्या कर दी जी? हत्या कर दी। किसकी? मेजर स्टोपिस वुड की गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरा जो व्यक्ति था कर्नल न्यूबरी, कौन था जी? कर्नल न्यूबरी। इसके क्या कर दिए क्रांतिकारियों ने? टुकड़े टुकड़े कर दिए जी एरिनपुरा की क्रांति के कारण। कर्नल न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है जी, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। और लेफ्टिनेंट जो लोग था वह कप्तान हार्डी था। यहाँ एक व्यक्ति थे यानी लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लोग वह कप्तान हार्डी, कौन थे? कप्तान हार्डी। ये बुरी तरह घायल होते हैं। क्या होते हैं जी? बुरी तरह घायल हो गए। क्या हो गए जी? बुरी तरह घायल हो गए। फिर क्या होता है एक जी, जोधपुर के एक राजा थे, कौन जी? जोधपुर के राजा तख्त सिंह, कौन था? तख्त सिंह ने यहां से जो घायल अधिकारी थे उनको निमंत्रण दिया जी। क्या दिया? निमंत्रण दिया गया। किसके द्वारा दिया गया निमंत्रण? जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के द्वारा, जोधपुर के जो राजा थे तख्त सिंह, उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया। किसको? यहाँ पर जो घायल या डरे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको निमंत्रण देता है जोधपुर महाराजा तख्त सिंह। तब ये जोधपुर के लिए रवाना होते हैं। जोधपुर के लिए जब ये रवाना होते हैं तो रास्ते में, क्या जी? रास्ते में एक व्यक्ति था इनके साथ, कर्नल पैनी, कौन था जी? कर्नल पैनी। ये जो है इस कर्नल पैनी को, किसको जी? इस कर्नल पैनी को दिल का दौरा पड़ जाता है। किसका? दिल का दौरा पड़ जाता है। पड़ना स्वाभाविक ही था दिल का दौरा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े कर दिए थे लेफ्टिनेंट इसके कर्नल न्यूबरी के क्रांतिकारियों ने, और स्टॉपिस वुड को गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो ये दृश्य अपने आप में भयावह था। इस कारण जो है कर्नल पैनी जी की रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किस कारण? दिल का दौरा पड़ जाने से। दिल का दौरा पड़ जाने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जी बात करते हैं, अंग्रेज यहां पर जब क्रांति हुई तो एक सैनिक टुकड़ी थी जो कि अंग्रेजों के लिए वफादार रही। ये प्रश्न काफी बार इंपॉर्टेंट रहता है कि नसीराबाद की क्रांति में अंग्रेजों के लिए जो वफादार सैनिक टुकड़ी रही थी, वफादार ये रही थी जी बंबई लॉन्सर्स। कौन सी? बॉम्बई लॉन्सर्स। ये जो है वफादार रही थी किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। नसीराबाद में जब क्रांति होती है तो नसीराबाद में ये बॉम्बई लॉन्सर्स जो है इनके प्रति वफादार रही। किसके प्रति? कर इन अंग्रेजों के प्रति, नसीराबाद की क्रांति के दौरान। तब जो है ये क्रांतिकारी यहाँ क्रांति के बाद 18 जून और 1857 को, कब जी? 18 जून 1857 को दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। किसके लिए? दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो जो मुगल बादशाह था इस समय क्रांति का नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में भारत की ओर से, मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड। ये दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और किसकी सेनाओं में शामिल होते हैं? बहादुर शाह सेकंड की सेनाओं में शामिल होते हैं। कौन से क्रांतिकारी? नसीराबाद के क्रांतिकारी। इसके बाद की जब बात करते हैं तो यहाँ मैंने बताया कि अंग्रेज अधिकारी जो है प्रिचार्ड था। इस प्रिचार्ड ने एक कोटेशन दी है इस नसीराबाद के लिए। क्या दी है प्रिचार्ड ने?
तो प्रिचार्ड लिखता है, क्या लिखता है जी, कि अगर क्रांतिकारी दिल्ली ने जाकर, दिल्ली ने जाकर अजमेर पर अधिकार कर लेते, किस पर, अजमेर पर अधिकार कर लेते, किस पर अधिकार कर लेते, अजमेर पर अधिकार कर लेते, तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ अलग होता। यानी इस प्रिचार्ड ने दिल्ली जाना इन क्रांतिकारियों की क्या मानी है, भूल मानी है। एक बार फिर से अपन बात करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सैनिक छावनियों के अंतर्गत क्रांति, किसकी क्रांति, 1857 की क्रांति राजस्थान में। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति होती है, सबसे पहले कहाँ हुई जी, इस नसीराबाद में हुई। कब होती है, 28 मई 1857 को होती हैं। कारण, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटा करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, नसीराबाद। और यहाँ पर नसीराबाद में अंग्रेजी, ये जो क्रांति है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, बख्तावर सिंह था, और अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड, जिसने क्रांतिकारियों की भूल मानी कि उन्होंने यहाँ से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना न होते, अगर वो अजमेर पर अधिकार कर लेते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ अलग होता। इसमें जो घायल व्यक्ति या मरने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो मेजर स्टोपिस बुड था, जिसकी गोली मार करके क्या कर दी गई जी, हत्या कर दी गई, और कर्नल न्यूबेरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेफ्टिनेंट लॉक व कप्तान हार्डी बुरी तरह घायल होते हैं। तब जोधपुर महाराजा तख्त सिंह अपने यहाँ उनको आमंत्रण देता है घायल व्यक्तियों के लिए, और रास्ते में कर्नल पैनी को दिल का दौरा पड़ जाता है। किसको जी, कर्नल पैनी को। और एक सैनिक टुकड़ी इनके लिए वफादार रही, कौन सी, मुंबई लॉन्सर्स। और 18 जून 1857 को ये क्रांति के बाद कहाँ प्रस्थान करते हैं, दिल्ली। दिल्ली किसकी सेनाओं में, बहादुर शाह सेकंड, जो कि राष्ट्रीय क्रांति का नेतृत्व कर रहा था भारत के संदर्भ में, उसकी सेनाओं में शामिल होते हैं। तो ये राजस्थान में नसीराबाद की क्रांति रही थी। अब बात करते हैं अपन आगे की, 1857 की क्रांति में अपन पढ़ चुके हैं, नसीराबाद की क्रांति, जो कि मैंने आपको बताया सबसे पुरानी सैनिक छावनी भी थी और सबसे बड़ी सैनिक छावनी भी थी, और सबसे पहले यहाँ जो है विद्रोह भी हुआ था। राजस्थान की बात करते हैं, जहाँ तक दूसरी बात करते हैं जी, नंबर दो, भरतपुर में क्रांति। कहाँ पर क्रांति, भरतपुर में क्रांति की बात करते हैं। तो भरतपुर में क्रांति होती है जी 31 मई और 1857 को। कब होती है जी, 31 मई 1857 को। कब होती है, 31 मई और 1857 को भरतपुर में क्रांति होती है। और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी था, ये अंग्रेज अधिकारी ये था जी मॉरिशन। कौन था अंग्रेज अधिकारी, मॉरिशन। और 1857 में भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को ही, अंग्रेज अधिकारी मॉरिशन था। और यहाँ पर अगर अपन भरतपुर के राजा की बात करें तो वो जो है वो था जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक या राजा उस समय कौन था, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह कहते हैं कि नाबालिग था, इस वजह से मॉरिशन के हाथों में यहाँ का नेतृत्व माना जाता है। इसके बाद की बात अपन करते हैं कि 31 मई 1857 को क्रांति होती है, कहाँ पर, भरतपुर में। और क्रांति किस जाति के द्वारा होती है भरतपुर में, तो मेव और गुर्जर जाति ने यहाँ विद्रोह किया था। कौन सी जाति ने, मेव तथा गुर्जर एक जाति थी, उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पर, विद्रोह होता है। कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं, भरतपुर की क्रांति। कब प्रारंभ होती है, 31 मई 1857 को। और शासक कौन था, जसवंत सिंह। अंग्रेज अधिकारी मॉरिशन था। मॉरिशन बाद में यहाँ से भागता है और आगरा में जाकर के शरण लेता है। मॉरिशन कहाँ शरण लेता है, आगरा में। ये मॉरिशन ये आगरा में शरण लेता है जी। तो भरतपुर के संदर्भ में यही मुख्य घटना रही थी 1857 की क्रांति।
कब होती है, 31 मई 1857 को। अंग्रेज अधिकारी मॉरिशन था, राजा जसवंत सिंह था और मेवे गुजर जाति ने विद्रोह किया था और मॉरिशन जो है आगरा में शरण लेता है। तो अपन नसीराबाद की क्रांति पढ़ चुके हैं राजस्थान के संदर्भ में, जो कि 28 मई 1857 को हुई थी, और दूसरी भरतपुर की जो कि 31 मई 1857 को होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात जो करते हैं अपन ये करते हैं जी नीमच की क्रांति की। कौन सी क्रांति जी? नीमच की बात करते हैं। नीमच की क्रांति, ये लो जी, नीमच में क्रांति 3 जून और 1857 को लगभग रात्रि के 11 बजे होती हैं, 11 बजे के आसपास का समय होता है। और तत्कालीन यहाँ पर जो अधिकारी होता है, अंग्रेज अधिकारी, कौन सा अधिकारी जी? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो था वो था यहाँ पर एबोट, कर्नल एबोट जो है यहाँ का तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। और ये जो छावनी थी नीमच की, ये शावर्स के नियंत्रण में थी। कौन से पॉलिटिकल एजेंट के? शावर्स के नियंत्रण में थी। शावर्स ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जी। कौन सा? शावर्स कहाँ का था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। लेकिन जब क्रांति होती है तो तत्कालीन अधिकारी कौन होता है नीमच के अंदर? कर्नल एबोट था। और इस एबोट को एक भारतीय सैनिक था, कौन जी? भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक था मोहम्मद अली बेग। कौन था जी? मोहम्मद अली बेग। इसके द्वारा कर्नल एबोट को चुनौती दी जाती है, यानी प्रतिज्ञा का समय होता है और कर्नल एबोट जो है प्रतिज्ञा करवा रहा था इस समय, और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करवाई जा रही थी। तब जो है मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध किया और जो है यहाँ पर एबोट के विरुद्ध क्रांति कर दी। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। और एक व्यक्ति जो है नीमच के ये जो क्रांति है इसका नेतृत्व करता मोहम्मद अली बेग के साथ हीरा सिंह भी था। कौन सा सिंह जी? हीरा सिंह भी इस क्रांति के दौरान मोहम्मद अली बेग के साथ था। ये दोनों जो हैं यहाँ के नेतृत्वकर्ता भी बताए जाते हैं इस क्रांति के। कौन सी क्रांति के? नीमच की क्रांति, जो 3 जून 1857 को होती है। और इस क्रांति में एक और अफवाह फैलती है 1857 की क्रांति के दौरान, आपको बताता हूँ कि आटे में, कौन से में? खाने वाला जो आटा होता है उसमें हड्डियों का चूरा, हड्डियों का चूरा मिला होने की अफवाह फैलती है, मिला होने की अफवाह फैलती है। कौन सी क्रांति में हड्डियों का चूरा मिला होने की अफवाह फैलती है? तो वो फैलती है नीमच छावनी में। कौन सी की बात करें अपन? नीमच। ये जो सैनिक छावनी है इसके बारे में अपन बात कर चुके थे कि ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। नीमच छावनी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में, और उस समय जो है राजस्थान का हिस्सा थी। तो आगे की बात इस क्रांति के दौरान करते हैं कि नीमच जो क्रांति थी इसमें क्रांतिकारियों व अंग्रेजों के मध्य, किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है, एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं जीरण का युद्ध। कौन सा? जीरण का युद्ध। ये जीरण जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस जीरण के युद्ध में अंग्रेज पराजित होते हैं और विजय किसकी होती है? क्रांतिकारियों की होती है। तब जो है नीमच के क्रांतिकारी, कौन से? नीमच के क्रांतिकारी रवाना होते हैं
दिल्ली के लिए, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में, कहाँ जी, रास्ते में एक सैनिक छावनी को लूटते हैं, देवली को, कौन सी, जो कि टोंक में पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं, टोंक में, यानी नीमच, जो क्रांतिकारी जीर्ण युद्ध जीतते हैं अंग्रेजों से और यहाँ से नीमच से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछा गया है कि नीमच के क्रांतिकारी दिल्ली जाते हुए किस सैनिक छावनी को लूटते हैं, तो देवली सैनिक छावनी को लूटते हैं, जो कि कहाँ पड़ती हैं, टोंक में पड़ती हैं, कौन से जिले में, टोंक में पड़ती हैं। इसके बाद की बात करते हैं कि जीर्ण युद्ध में जो अंग्रेज अधिकारी थे, कौन अंग्रेज अधिकारी थे, वो पराजित हुए और अंग्रेज अधिकारियों में से लगभग बहुत सारे लोग, लगभग 40 लोगों की बात करते हैं, तो उनको जो है डूंगरपुर का एक किसान होता है रंगाराम, कौन, डूंगरपुर का एक किसान रंगाराम, वो अपने यहाँ जो है उसके पास कैद करके क्रांतिकारियों के द्वारा रखे जाते हैं अंग्रेज अधिकारियों को। अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ रखा जाता है, अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है, कहाँ, डूंगरपुर के, डूंगरपुर का किसान था रंगाराम, रंगाराम, ये रंगाराम जो है डूंगला गांव का था, कौन से गांव का जी, डूंगला गांव का, तो इस डूंगला गांव में क्या किया जाता है, इन अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया जाता है। फिर जो है मेवाड़ महाराणा कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है 1857 की क्रांति के दौरान, कि 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ महाराणा कौन थे, तो स्वरूप सिंह थे। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह, कहाँ के महाराणा है, ये महाराणा है जी मेवाड़ के, कहाँ के हैं, महाराणा मेवाड़ के, कौन थे, स्वरूप सिंह। इनके द्वारा इन अधिकारियों को मुक्त कराया जाता है तथा उदयपुर में एक झील है पिछोला झील, कौन सी झील जी, पिछोला झील, जिसका निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा किया गया था। और एक बार प्रश्न भी आया था कि नटनी का चबूतरा राजस्थान में किस झील पर स्थित है, तो वो पिछोला झील पर, ये राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा बनाई जाती है। तो इस पिछोला झील में जग मंदिर महल, कौन से महल बने हुए, जग मंदिर महल बने हुए, इन जग मंदिर महलों में इन अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी जाती है, किसके द्वारा, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। अब जीर्ण युद्ध में पराजित होकर के, मैंने बताया कि देवली, ये जो नीमच छावनी है, ये किसके अंतर्गत थी, किसके क्षेत्र में थी, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था शोवर्स, कौन था जी, शोवर्स। ये शोवर्स जो है जीर्ण युद्ध में पराजित होकर के कहाँ जाता है जी, शाहपुरा जाता है, कहाँ गया, शाहपुरा गया। इस समय शाहपुरा का जो ठाकुर था वो था जी लक्ष्मण सिंह, कौन था, लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह से शरण मांगता है शोवर्स, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के द्वार तक नहीं खोले, दुर्ग के द्वारे नहीं खोले और शोवर्स को लौटना पड़ता है यहाँ से। किसने द्वार नहीं खोले, शाहपुरा का ठाकुर था, कहाँ का, शाहपुरा का, कौन था, लक्ष्मण सिंह। ये जो है दुर्ग के द्वार नहीं खोलता है और नीमच की क्रांति की ये प्रमुख घटनाएं जो हैं रहती हैं। हम 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी ले चुके हैं, जिसमें भारत के संदर्भ में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य अपन ने पढ़े। सबसे पहले अपन ने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ी नसीराबाद की क्रांति, और नसीराबाद में अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद अपन ने पढ़ी भरतपुर में जो क्रांति हुई, मॉरिसन यहाँ का नेतृत्व कर रहा था,
उसके बाद अपन नीमच की जानकारी ले चुके हैं। नीमच में जो प्रमुख घटनाएं, नीमच की जो क्रांति मैंने आपको बताया 3 जून 1857 को मध्य रात्रि 11 बजे शुरू होती है, और यहाँ पर जो नेतृत्व करता था वो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह थे। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहता है कि अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट को चुनौती देने वाला भारतीय सैनिक कौन था? तो ये मोहम्मद अली बेग था। जो किस सैनिक छावनी से रिलेटेड है? नीमच की छावनी से। और आटे में हड्डियों का चूरा मिले होने की अफवाह किस सैनिक छावनी में फैलती है? नीमच में फैलती है। तो ये सारी की सारी बातें जो है अपन कर चुके हैं। नीमच की जो क्रांति थी इसमें जीरण का युद्ध हुआ था। जीरण के युद्ध में अंग्रेज पराजित होते हैं और जीतता कौन है? क्रांतिकारी जीतते हैं और ये दिल्ली जाते हैं, और रास्ते में कौन सी सैनिक छावनी को लूटा जाता है? देवली को। देवली कहाँ पड़ती है? टोंक में पड़ती है। और यहाँ जो है डुंगला गाँव का किसान रंगाराम अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ उसको यहाँ बंदी बना के रखते हैं। तो छुड़वाया किसके द्वारा जाता है? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा छुड़वाया जाता है इन अधिकारियों को। और पिछोला झील के जग मंदिर महलों में इन्हें शरण दी जाती है। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जीर्ण युद्ध में पराजित होकर के शाहपुरा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के यहाँ जाता है मदद के लिए, लेकिन कहते हैं कि ठाकुर ने दुर्ग के द्वार तक नहीं खोले थे, और शाहपुरा का ठाकुर लक्ष्मण सिंह है इसने क्रांतिकारियों को शरण भी दी थी। तो हमने अब तक जो है 3 क्रांतियों के बारे में पढ़ चुके हैं, और आगे होने वाले क्लास में भी अपन जो है लगभग क्रांति को समाप्त कर देंगे। और पीछे की क्लास से जोड़ते हुए आज जो है अपन ने संपूर्ण जानकारियां यहाँ तक की ले ली हैं, और आगे जब बात करेंगे निरंतर रूप से हम जो है अध्ययन करते रहेंगे स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का। और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि हमारा हौसला जो है बढ़ता है जब आप हमारा साथ देंगे, तभी हम बहुत बढ़िया कर पाएंगे यहाँ पे, अपनी जो उपस्थिति है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। एक बार फिर से पूरी अतुल्य आरएस ऑनलाइन कोचिंग टीम की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।